हेलो एवरी वन गुड इवनिंग जस्ट लेट मी नो इफ आई एम ऑडिबल सो डैट वी कैन स्टार्ट दिसशन फॉर द डे चलिए एक दफ़ा मेरे को प्लीज़ कंफर्म कर दीजिए फिर हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं सेशन राइट right? हाँ जी सोनाली जस्ट लेट मी नो ऑडिबल ओके थैंक यू चलिए आज के लास्ट ज्योग्राफी क्लास में जो लास्ट वीक मंडे को कंडक्ट की गई थी उस क्लास में में हमने बेसिक्स ऑफ ज्योग्राफी को देखा था और कैसे सिविल सर्विसेज रिक्वायरमेंट रहती है ज्योग्राफी एज एन सब्जेक्ट को देखते हुए कि कैसे ज्योग्राफी को अप्रोच किया जाए तो उसके लिए एक हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही ऑब्जर्व करी और देखा कि ज्योग्राफी के कितने सारे डायमेंशन हैं हम कैसे कैसे ज्योग्राफी को पढ़ेंगे आज की इस क्लास में हम पहला अपना टॉपिक पिक कर रहे हैं और टॉपिक का नाम है सोलर सिस्टम एंड बेसिक्स ऑफ द अर्थ और जो हमने रेफरेंसेस ली हैं इसको लेके वो है एनसीआर क्लास सिक्स ऑनवर्ड एंड साउथ इंडिया के अंदर तमिलनाडु बोर्ड की किताबें काफी अच्छी लिखी गई हैं तो उन किताबों को भी हम लोग जरूर एड्रेस करेंगे और अपने इन लेक्चर्स में इनकॉपरेट करेंगे ताकि आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव आउटलुक मिल पाए किस तरह से सिविल सर्विसेज के इन सब्जेक्ट्स को इन दोनों ही बहुमूल्य किताबों के साथ इनकॉपरेट करते हुए आगे की दिशा में बढ़ना है तो इस ब्रॉड ऑब्जेक्टिव से हम इन सेशंस को चला रहे हैं जो बच्चे नए हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हमने हफ्ते में पांच क्लासेस इसके अंदर कंडक्ट करनी होती है अलग अलग सब्जेक्ट्स इसमें आप लोगों को पढ़ाए जाते हैं अलग अलग फैकल्टीज द्वारा पढ़ाए जाते हैं ताकि हॉलिस्टिकली

कोर्स को जरूर अवेल कर पाए तो आप देखिए जो छी क्लास की एनसीआरटी है उसमें सोलर सिस्टम एंड बेसिक्स ऑफ अर्थ ही दिए हुए हैं जो सेवन की एनसीआरटी उसमें फिजिकल जोग्राफी आप लोगों को पढ़ाया हुआ है देन ह्यूमन जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस भी किया है जिन लोगों ने क्लास मिस करी है वे लोग जरूर पहली क्लास को रेफर करीजिए उससे आपका काफी अच्छा साउंड बेस बनता है इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी एंड इंडियन ह्यूमन ज्योग्राफी क्लास नाइन्थ और टेंथ की एनसीआर में दी हुई है इसी के क्रॉसपॉन्डिंग अगर आप देखेंगे छठी क्लास की एनसीआरटी ये उसका एक डिटेल्ड इंडेक्स है तो क्लास में बच्चे की आयु तकरीबन या वर्ष रहती है तो बेसिक्स है कि उसे अर्थ के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन दे दी थोड़ा सोलर सिस्टम पढ़ा दिया ग्लोब में लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मेंशन करवा दिए अर्थ के मोशन किस तरह से अर्थ का रोटेशन है किस तरह से अर्थ का रेवोल्यूशन है सन के अराउंड किस तरह से उसके एक्शल टिल्ट है उसके बारे में बताया है मैप्स हैं मैप्स के अंदर से मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ के कि दर्थॉस्फेर है हाइड्रॉसफेयर है इन वाले सारे एरियाज को हम लोगों ने एक एक करके अप्रोच करना है राइट इसी के अगर हम क्लास की की तमिलनाडु बोर्ड किताब देखें तो उसमें भी इसी प्रकार की ओवरलैपिंग हमें देखने को मिलती है जहां पे पहला टॉपिक दिस यूनिवर्स एंड दिस सोलर सिस्टम एंड लैंड एंड ओशन ये वाले सारे बात को कराए जाते हैं राइट तो इन दोनों से हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे सेवेंथ क्लास की एनसीआर का इंडेक्स है धीरे धीरे हम आगे के चैप्टर्स पे जाएंगे तो यू विल रियलाइज कि किस तरह से हम लोगों ने वर्टिकल लिंकिंग के थ्रू इन सारे चैप्टर्स को अप्रोच करना है क्लास का इंडेक्स है यह नाइन्थ क्लास का है यह टेंथ क्लास का है यह भी मैं आप लोगों से शेयर करूंगा टेलीग्राम ग्रुप जो हमारा है डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक शेयर है और सिविल स्टेप आई करके भी आप इसको टेलीग्राम पे खोज सकते हैं वहां पर यह शेयर कर दी जाएगी राइट तो स्टार्ट करते हैं आज की कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी से चलो थैंक यू थैंक यू सोनाली तो आज की इन एनसीआरटी से हम लोग जो है इन वोकेबलरीज को पढ़ेंगे कि किस तरह से इन वोकेबलरीज द्वारा हम लोग अपने सब्जेक्ट को अप्रोच कर सकते हैं कुछ एक टर्मिनोलॉजी है उनकी क्लैरिटी रहे तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनने में हेल्प हमको मिलेगी इन्हीं को अब हम लोग अप्रोच अगर करेंगे तो वर्टिकली हमें देखेंगे जो सबसे बड़ा शब्द इसके अंदर है यूनिवर्स करके एक शब्द इसके अंदर मैं एनसीआरटीस एंस, के अंदर और शब्द को कैसे अप्रोच किया जाए कि यूनिवर्स को ऐसा डिफाइन करते हैं कि ऑल दो अलग अलग जोग्राफर ने अपने अपने समय काल के अंदर यूनिवर्स के बनने के तरीके को जानने का प्रयास किया इस प्रकार की जितने भी थ्योरीज आई है उनके आगे थ्योरी शब्द मिसिंग होता है हाइपोथेसिस शब्द लगाया जाता है हाइपोथेसिस का मतलब है कि आपके ब्रॉड अंदाजे हैं ये सटीक तौर पे आप नहीं कह सकते किस तरह से अर्थ बनी है या किस तरह से पूरा यूनिवर्स गैलेक्सी और सोलर सिस्टम शेप में आया है इसी को लेके अगर हम देखेंगे कि इसलिए केवल एक ही थ्योरी है जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड है उस थ्योरी का नाम है बिग बैंग थ्योरी इसलिए उसी के आगे केवल थ्योरी लगाया जाता है अगर आप एनसीआरटी के मुताबिक जाए तो कई सारे वर्ड्स दिए हैं नेबुलर हाइपोथेसिस दिया हुआ है या लैपलास्ट की थ्योरी दी हुई है डस्ट थ्योरी जिसको हम लोग बोलते हैं इस तरह से मल्टीपल थ्योरीज दी गई हैं या हाइपोथेसिस दिए गए हैं तो सटीक तौर पे हम लोगों को नहीं पता चल पाया एक्सेप्ट बिग बैंग थ्योरी जो काफी हद तक सेटिस्फेक्ट्री आंसर देती है यूनिवर्स के बनने का बोला जाता है अकॉर्डिंग टू अव बुक कि इस यूनिवर्स का जिसका साइज हमें नहीं पता है इतना बड़ा साइज है बिग थ्योरी कहती है कि पूरी दुनिया एक छोटे से पार्टिकल की फॉर्मेट में पैक्ड थी और उस पार्टिकल का मास इनफाइनाइट था उस पार्टिकल की डेंसिटी इनफाइनाइट थी उस पार्टिकल का टेम्परेचर भी इनफाइनाइट था और वो पार्टिकल कुछ फोर्सेस की वजह से एक्सप्लोड कर जाता है और जब वो एक्सप्लोड करता है तो वो लगातार एक्सपेंड कर रहा है इसी एक्सपेंशन को यूनिवर्स शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है और बोला जाता है जिस तरह से प्रेजेंट डे पे हम यूनिवर्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं वो यूनिवर्स उसी पार्टिकल के एक्सप्लोजन का एक आउटकम है इस तरह की थ्योरी बिग बैंग और ये जो एक्सप्लोजन है ये तकरीबन साढ़े तेरा थ्री थर्टीन पॉइंट सेवन बिलियन इयर्स अगो ये जो है एक्सप्लोजन हुआ था और उसी के बाद धीरे धीरे मल्टीपल गैलेक्सीज शेप में आने लगी और उन्हीं गैलेक्सीज के बाद बात देखते हैं कि सन शेप में आया सोलर सिस्टम शेप में आया और हमारे प्लेनेट शेप में आए जिसको आज हम लोग पढ़ेंगे तो इस तरह से हमारे यूनिवर्स की संरचना एक बार हुई यूनिवर्स एक बड़ा टॉपिक है यूनिवर्स के अंदर गैलेक्सी एक टॉपिक है गैलेक्सी का मतलब है उसके अंदर जिसके अंदर बिलियंस ऑफ स्टार्स मौजूद हैं उसको हम गैलेक्सी शब्द इस्तेमाल करते हैं जैसे जिस गैलेक्सी में हमारा प्लेनेट है हमारा सोलर सिस्टम है उस गैलेक्सी का नाम है हिंदी में बोलते हैं आकाश गंगा अंग्रेजी में हम लोग जो है मिल्की वे गैलेक्सी इसका नाम रखा गया है हमारे करीब और भी गैलेक्सीज हैं लेकिन जो सबसे करीबतम निकटतम हमारी गैलेक्सी इज नियरेस्ट गैलेक्सी टू अस इज द एंड्रोमेटा जो आपकी किताब बोलती है एंड्रोमेटा गैलेक्सी हमारे बहुत करीब गैलेक्सी है तो इस तरह से हम गैलेक्सी को देखते हैं ऐसी गैलेक्सी जिसमें बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं और कई सैकड़ों इसके अंदर सोलर सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं इन्हीं गैलेक्सी में के अंदर हमारा एक सोलर सिस्टम भी है उस सोलर सिस्टम का शब्द सोलर सन से जुड़ा है और सन और उसकी फैमिली को मिलाकर हम लोग सोलर सिस्टम शब्द देते हैं इस सन सोलर सिस्टम के अराउंड कुछ ग्रुप ऑफ स्टार्स एग्जिस्ट करते हैं कुछ पैटर्न्स हमारे अराउंड है वो स्टार्स कुछ एक फॉर्म बना रहे हैं कुछ एक क्रिएशन कर रहे हैं और उनके इस पैटर्न को देखते हुए हमने उनके कुछ नाम रख दिए हैं अंग्रेजी में ये लिखे गए नाम हैं हिंदी में भी हम लोग अगर आप देखेंगे जिनको हम राशि अगर हम अखबार को देखें जिसको हम बोलते हैं राशियां बोला जाता है जैसे जैमिनाय मिथुन एक राशि है कर्क कैंसर एक राशि है तो मल्टीपल तुला लिब्रा एक राशि है पाइसेस मीन एक राशि है मकर कैप्रिकॉन एक राशि है तो इस तरह से मल्टीपल राशि हम लोग देखते हैं या हिंदी अंग्रेजी में बोले कॉन्स्टिलेशन हमारे अराउंड है कॉन्स्टिलेशन की संख्या बहुत ज्यादा है यह एक पैटर्न है स्टार्स का इसमें से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिलेशन है हम जिसको जोडैक बोलते हैं उनको हम लोग पढ़ा भी करते हैं तो अर्थ और सोलर सिस्टम के अराउंड यह ग्रुप ऑफ स्टार्स का एक पैटर्न है धरती अलग अलग समय में वाई टेकिंग इट्स रेवोल्यूशन अराउंड द सन अर्थ अलग अलग जोडैक या कॉन्सुलेशन को गो थ्रू करती है तो अगर हम देखेंगे जो हमारा एस्ट्रोलॉजी भी बेस्ड है वो इसी रेवोल्यूशन और अरेंजमेंट पे डिपेंड करता है कि अगर हम लोग बोलते हैं कि टाइम ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ की अगर रिक्वायरमेंट है तो दो आर बेसिकली लैटिट्यूड एंड जहां आपका जन्म हुआ और उस टाइम पे बाकी सारे प्लेनेट किस तरफ जो है उस पर्टिकुलर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से अलाइंड थे किस तरह के कॉन्सुलेशन उस टाइम पे एग्जिस्ट किया करते थे जिस टाइम पे और जिस जगह पे किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है तो इस तरह से इसी के आसपास एक एस्ट्रोनॉमी जिसको बोला जाता है अरेंजमेंट ऑफ द एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल प्लान उनका कैसे प्रभाव पड़ता है एक इंसान के ऊपर तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये सब्जेक्ट कहीं ना कहीं स्पेस से रिलेटेड ही सब्जेक्ट्स माने जाते हैं इसी के अंदर जब हम लोगों ने शब्द इस्तेमाल किया सोलर सिस्टम अब सोलर सिस्टम के अंदर हम लोग देखते हैं ये तमिलनाडु बोर्ड की एनसीआर के द्वारा लिए गए पिक्चर्स हैं अगर हम देखते हैं कि उसमें कुछ एक डेटा है ये डेटा हमारे प्रिलिम्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते डेटा बोलता है कि जो अर्थ है वो तीन लाख किलोमीटर सॉरी लाइट जो है वो तीन लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से ट्रेवल करती है और यही लाइट सूरज से धरती तक पहुंचती है तो सूरज और धरती के बीच का जो डिस्टेंस है उसको ट्रेवल करने में अगर हम इस लाइट वाइज देखें तो उसको ट्रेवल करने में तकरीबन का लगता है। कि sun, कि इतनी से ट्रेवल करने वाली लाइट जो कि तीन लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से चल रही है उसे भी 8.31 मिनट का समय लगता है अर्थ पे पहुंचते हुए तो इस सोलर सिस्टम में सन जिसके सेंटर केंद्र में बैठा हुआ है सोलर सिस्टम की अगर हम उम्र देखें तो हम कहते हैं सोलर सिस्टम तकरीबन 4.5 बिलियन बिलियन ईयर ईयर हो गया था 13.7 पहले बिग बैंग एक्सप्लोजन हुआ उसके बाद सोलर सिस्टम ने बनना शुरू कर दिया और यहीं पे अगर आप देखेंगे कुछ एक इंफॉर्मेशन जो मैंने अभी आपके साथ शेयर की है दिल्ली वे गैलेक्सी वॉज फाउंड अबाउट फाइव बिलियन ईयर आफ्टर दी बिग बैंग एक्सप्लोजन और साथ ही साथ ये लिखा गया एंड्रोमेडा गैलेक्सी नियरेस्ट टू अर्थ अपार्ट फ्रॉम मेगली क्लाउड गैलेक्सी ये एक और क्लाउड गैलेक्सी एक और गैलेक्सी है जो एंड्रोमेडा के बाद सबसे नजदीकी गैलेक्सी हमारी है तो इसके बारे में यहां पे दिया गया इस सोलर सिस्टम में जहां पे केंद्र में सूर्य है और आठ प्लैनेट्स हैं उसके अलावा इस सोलर सिस्टम के अंदर आप देखिए वर्ड देखिए कुछ डॉफ प्लैनेट्स हैं एग्जाम्पल बाद में देते चले जाएंगे सैटेलाइट इन इन जितने भी प्लैनेट्स हैं इनके अराउंड रोटेटिंग जो प्लान है ऐसे तो ही कुछ हैं ऐसे ही सैटेलाइट सैटर्न के हैं ऐसे ही सैटेलाइट जुपिटर के हैं ये सैटेलाइट एग्जिस्ट करते हैं कॉमेट्स एग्जिस्ट करते हैं एस्टेरॉइड एग्जिस्ट करते हैं और मिटेरॉयड एग्जिस्ट करते हैं तो अपार्ट फ्रॉम की सन है आठ प्लैनेट है इतने सारे एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल टेरेस्ट्रियल शब्द हम लोग सोलर सिस्टम के भाषा में यूज करते हैं अर्थ के लिए टेरेस्ट्रियल शब्द बार बार इस्तेमाल किया जाएगा एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल अपार्ट फ्रॉम अर्थ जो भी कोई चीजें हैं उनको एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बोला जाएगा तो ये सारी चीजों को मिला के टेरेस्ट्रियल एंड एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल शब्द बोला जाता है ये इसी का पार्ट है तो अगर हम हायरार्की वाइज देखें तो यूनिवर्स गैलेक्सी सोलर सिस्टम प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट ये पांच का ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज आप अरेंज कर सकते हैं राइट तो इस तरह से हम लोग इन सारे सिस्टम को डिफाइन करते हैं। एक बार मेरे को जस्ट लेट मी नो इफ आई एम ऑडिबल हां जी एक बार मेरे को कंफर्म कर दीजिए थोड़ा सेल इश्यू था आई सेल जस्ट लेट मी नो ऑडिबल है या नहीं चलिए तो इसी के अंदर जैसे ये तमिलनाडु बोर्ड की जो किताबें हैं ये लिखती हैं कि इन सोलर सिस्टम को एक एंशंट टेक्स्ट है तमिलनाडु का उस टेक्स्ट का नाम है सिरूपट्टनम है ना थ्रू पढ़ाई इसके अंदर पहली बार ये मेंशन है कि जो सूर्य है इट इज सराउंडेड बाय मेनी प्लैनेट्स तो एटलीस्ट देर अवेयर अबाउट थिंग कि वी आर हैविंग अ फैमिली विच हैज बीन टर्मड एज सोलर सिस्टम तो वहाँ पे इस से ये पहली बार पता चलता है। तो इस तरह की सूर्य के साइज को भी कंपेयर किया जाता है और साइज वाइज बोला जाता है कि वन मिलियन अर्थ सूर्य के अंदर समा सकती है दिस इज द साइज ऑफ सन तो काफी जाइगेंटिक साइज है सन के लिए बोला जाता है कि सन के अंदर दो एलिमेंट मात्र दो एलिमेंट बहुत ज्यादा मात्रा में मिलते हैं दोनों एलिमेंट के बीच में रिएक्शंस होती हैं और यह रिएक्शन है फ्यूजन रिएक्शन जिसके अंदर दो हीलियम मिलके, दो हाइड्रोजन मिलके एक हीलियम का एटम बना रहे हैं रेडियो एक्टिव रिएक्शन है लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज और अगर आप देखेंगे हम अर्थ के ऊपर ही जो हाइड्रोजन बॉम्ब बनाते हैं वो इसी प्रकार की एक रिएक्शन है जिसमें अनकंट्रोलेबल वे में दो हाइड्रोजन को फ्यूज किया जाता है इसी से हम एनर्जी बनाने का भी प्रयास कर रहे हैं लेकिन इस पूरे प्रोसेस के अंदर एनर्जी इतनी तेजी से प्रोड्यूस होती है और इतनी ज्यादा प्रोड्यूस होती है कि उसको कंट्रोल जैसे हम न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर भी एनर्जी को कंट्रोल करना पड़ता है तो इस तरह से अभी फ्यूजन रिएक्शन को कंट्रोल नहीं किया जा पा रहा जिसकी वजह से जो सन के अंदर रिएक्शन है उसको हम अर्थ के ऊपर एनर्जी बनाने के लिए रेप्लीकेट नहीं कर पा रहे हैं तो इस प्रकार से सारा सिस्टम है इसी के अंदर आप अगर उसका निन्यानवे पॉइंट एट परसेंट सन के अंदर ही एग्जिस्ट करता है इसीलिए सन पूरे सोलर सिस्टम को ड्राइव कर रहा है मल्टीपल फैक्टर की वजह से चाहे वो ग्रेविटी है चाहे वो रेडिएशन है चाहे वो इंसोलेशन है उन सब से या अपने मैग्नेटिक फील्ड से है पूरा सन पूरे सोलर सिस्टम को गवर्न कर रहा है इसी की तरह से सन का जो टेम्परेचर है उसके सतह पे सरफेस पे 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया हुआ है जब हम अर्थ के बेसिक्स पढ़ेंगे तो उसी के अंदर मिलता है कि जो अर्थ का इंटीरियर है उसके अंदर भी तकरीबन सत्तावन डिग्री सेल्सियस है हमारी कोर के अंदर और वही टेम्परेचर तकरीबन आप को रिलेट करते हैं कि सन के टेम्परेचर से भी मिलता है राइट right? जैसे यहां पे आप देख सकते हैं इट्स अ सीरीज ऑफ एट प्लेनेट विच आर विच आर सराउंडिंग द सन, राइट? तो आप देखेंगे जैसे ये अलग अलग प्लेनेट जिनके बारे में अब हम विस्तार से पढ़ेंगे मर्करी वीनस अर्थ मार्स देन देयर इज अ बेल्ट विच इज ने एस्टेरॉइड बेल्ट स्टेरॉयड बेल्ट और उसके बाद जो अभी मैंने आपको बताया कि हमारे सोलर सिस्टम में कौन कौन सी चीजें उपलब्ध हैं उसके बाद आप देखोगे कुछ सेट ऑफ प्लेनेट हैं विच आर आउटसाइड तो अगर आप देखेंगे इस तरह से इसको देखा जा सकता है कि ये जो प्लेनेट सन है हमारा स्टार इसके अराउंड चार प्लेनेट है जो एस्टेरॉइड बेल्ट के अंदर रोटेट एंड रिवॉल्व कर रहे हैं जैसे ही आप इससे बाहर चले जाओगे बाकी के चार प्लेनेट जुपिटर सैटन यूरेनस एंड नेप्च्यून वो इसके बाहर एग्जिस्ट करते हैं तो एस्टोरॉइड बेल्ट को अगर एक डिवाइडिंग ऑर्बिटल लाइन कंसिडर किया जाए तो चार प्लेनेट जो सूर्य और एस्टोरॉयड के बीच में एग्जिस्ट करते हैं उन प्लेनेट को बोला जाता है यहां पे मैं एक शब्द लिख रहा हूं आपकी एनसीआर इनके लिए शब्द इस्तेमाल करती है तमिलनाडु बोर्ड इस्तेमाल करती है इनर प्लेनेट वो प्लेनेट जो एस्टेरॉयड के अंदर की तरफ हैं इनर प्लेनेट इसके अलावा जो प्लेनेट एस्टोरॉइड के बाहर

जैसे ही आप आउटर प्लेनेट नेपच्यून विच इज दास्ट वन तो जुपिटर यूरेनस एंड नेपच्यून के बाद ऑलमोस्ट एंड एस्ट्रॉइड जैसी एक और बेल्ट हमें ऑब्जर्व की जाती है इस बेल्ट का नाम जैसे आप इस डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं इसका नाम रखा गया है क्यूपर बेल्ट यह एक ऐसी बेल्ट है जो एस्टोरॉइड की तरह दिखती है प्लेनेट सिमल है छोटे छोटे प्लेनेट हैं ड्वार्फ प्लेनेट इसके अंदर देखने को मिलते हैं लेकिन क्यूपर बेल्ट रॉक की नहीं बनी हुई आइस की मेजरली बनी हुई है या गैस की मेजरली बनी हुई है तो आइस एंड गैस ये डोमिनेट करते हैं लेकिन एस्ट्रॉइड बेल्ट में अगर कुछ डोमिनेट करता है तो वो करता है रॉक्स ये पत्थरों और चट्टानों की बने हुए प्लेनेट सिमल या डॉफ प्लैनेट्स हैं तो इस तरह से हम देखते हैं कि दोनों ऑलमोस्ट अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं लेकिन इन दोनों का जो नेचर है जिस तरह से ये डेवलप हुई हैं जिस तरह से बने हैं जो इनका रॉ मटेरियल है वो एंटायरली डिफरेंट है तो इस तरह से हम अपने सोलर सिस्टम के प्रेजेंट अरेंजमेंट को समझते हैं इसी सोलर सिस्टम में अब हम एक एक प्लेनेट की प्रॉपर्टीज को देखेंगे जिस तरह से प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं तो प्लेनेट वाइज हम इनकी प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व करेंगे और जो हम लोग नोट्स बनाएंगे जैसे आप लोग नोट्स अपने बना सकते हैं एनसीआरटी के पढ़े एंड तमिलनाडु जो आपके नोट्स दिए भी गए हैं आपके टेलीग्राम ग्रुप में भी दिए जाएंगे हमारे पोर्टल के ऊपर भी दिए जाएंगे उन नोट्स के थ्रू आप चीजों को पढ़ सकते हैं तो उन्हीं नोट्स के अंदर अगर जो चीज दी हुई है कि सोलर सिस्टम के जो अंदर के चार प्लैनेट है जो अभी हमने डिस्कस किए इनको इनर प्लैनेट बोला जाता है और कई दफे इनको एक और वर्ड है रॉकी प्लेनेट भी बोला जाता है क्योंकि ये रॉक लाइक प्लेनेट है कई जगह इनके लिए एक और शब्द है इनको टेरेस्ट्रियल क्योंकि ये धरती जैसे क्योंकि ये रॉक से बने हुए रॉक अर्थ भी रॉक से बना है तो कई दफे इनको टेरेस्ट्रियल प्लेनेट भी बोला जाता है तो तीन नाम इनके लिए यूज किए जाते हैं टेरेस्ट्रियल प्लेनेट्स रॉकी प्लैनेट्स और इनर प्लेनेट्स अगर जो प्लेनेट बाहर हैं इनसे उनके लिए आप देखिए शब्द क्या इस्तेमाल किए जाते हैं इनके लिए इस्तेमाल किया जाता है आउटर प्लेनेट क्योंकि ये जुपिटर जैसे दिखते हैं जुपिटर गैस से बना हुआ है कई बार इनके लिए यूज होता है जोवियन प्लैनेट मीन्स दे आर लाइक जुपिटर ये जुपिटर जैसे क्यों है क्योंकि ये प्लेनेट रॉक से बने हैं इनर प्लेनेट आउटर प्लेनेट मेजरली आइस एंड गैस से बने हुए प्लेनेट है तो जुपिटर भी क्योंकि आइस और गैस से बना हुआ है इसलिए इसको जोवियन प्लेनेट हम लोग बोलते हैं तो यही सारी बात इसके अंदर लिखी गई है एक और कंपैरिजन ड्रॉ किया जाता है जो जो प्लेनेट है अगर आप इस इमेज के थ्रू भी देख सकते हैं दे आर आर रिलेटिवली लार्जर इन इन साइज एज कंपेयर टू द इनर ऑर्बिट तो ये जो प्लेनेट इनका रिलेटिवली साइज छोटा है एज कंपेयर टू द्लैनेट विच आर आउटर प्लेनेट इनमें साइज में बहुत बड़ा फर्क हमें देखने को मिलता है तो ये एक बहुत बड़ा की डिफरेंस दोनों के बीच में आता है राइट right? इसके अलावा अगर आप देखेंगे जो आपकी तमिलनाडु तो बोर्ड की किताब एक बहुत अच्छा फैक्ट आपके समक्ष रखती है किताब कहती है ऑल प्लैनेट्स रोटेट एंटी जो उनके घूमने का तरीका है रोटेट करने का तरीका है एंटी एंटीक्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज समझिए जैसे अर्थ जो रोटेट करती है वो वेस्ट टू ईस्ट दिशा में रोटेट करती है तकरीबन सारे प्लेनेट वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं इस तरह की के कीवर्ड्स के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं एक्सेप्ट टू प्लेनेट दैट आर ट रोटेट क्लॉकवाइज मीन सेटेंट पार्ट है दूसरी बात ये कहती है, ये है कि जो ये प्लैनेट हैं, ये सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं घूम रहे हैं इन प्लैनेट का अगर आप ऑर्बिट देखोगे तो देअर ऑर्बिट इज एलेप्टिकल। एलेप्टिकल ऑर्बिट में रोटेट एंड रिवॉल्व करने वाले प्लेनेट है तो यह भी एक की इंफॉर्मेशन इसके बारे में पता चलती है और ये जो सारे प्लेनेट हैं ये ग्रेविटेशनल पुल के कारण सूर्य के साथ बंधे हुए हैं तो बिकॉज ऑफ ग्रेविटी दे आर अटैच टू तो ये कुछ एक बेसिक इंफॉर्मेशन इनके बारे में दी गई है राइट अब एक एक प्लेनेट करके हम लोग देखते हैं सबसे पहले एक प्लेनेट है प्लेनेट मरकरी इसकी अगर प्रॉपर्टीज को हम लोग देखें तो ये एक रोमन डीटी से इसका नाम लिया गया है मरकरी प्लेनेट का तो आप इसके नोट्स मरकरी एमई e. इस तरह से सेंटर में लिख के इसके सिविल सर्विसेज के नोट्स थोड़ा डिफरेंटली बनते हैं जाता है तो इसके अंदर आप इस तरह से नोट्स बनाओगे मरकरी की आप देखिए खासियत ये हमारे सोलर सिस्टम का आप देखिए शब्द सबसे छोटा और सबसे करीबी प्लेनेट है सूर्य के तो इसकी दो विशेषता है आप नोट्स में कैसे लिखेंगे पूरी पूरी लाइन नहीं लिखेंगे आप लिखेंगे स्मॉलेस्ट क्लोजेस्ट प्लैनेट अब ये सबसे करीब है प्लेनेट सन के तो जाहिर सी बात है ये सबसे गर्म होना चाहिए लेकिन ये सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट नहीं है जब हम वीनस को पढ़ेंगे तो हम वीनस के लिए पढ़ेंगे कि वीनस इज हॉटेस्ट प्लेनेट दूसरी बात है आप देखिए एक शब्द इसके लिए शब्द इस्तेमाल किया है इट इज अ एयरलेस प्लेनेट एंड वाटरलेस प्लेनेट ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि इसकी कोई एटमॉस्फेयर बाद में दिया भी गया है इसका कोई एटमॉस्फेयर नहीं है तो इट डज नॉट एनी एटमॉस्फेयर तो पूरी लाइन नहीं लिखनी है प्रीलिम्स के लिए की कि नो एटमॉस्फेयर नो वॉटर जब एटमॉस्फेयर ही नहीं है तो ना तो एयर है ना पानी है नो वॉटर एंड एयर तो वॉटरलेस प्लेनेट अब पानी क्यों नहीं है ये सन से इतना करीब है प्लेनेट टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि वॉटर यहां से इवोपरेट होकर चला जाता है बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर इसलिए वॉटर कैन नॉट सस्टेन ओवर मर्करी ये एक इसके साथ बात देखने को आई है क्योंकि ये स्मॉलेस्ट प्लैनेट है तो जाहिर सी बात है इसकी ग्रेविटी भी कम होगी अगर इसकी ग्रेविटी कम है तो ये किसी भी सैटेलाइट को होल्ड करने की क्षमता नहीं रखेगा तो दिस प्लान मरकरी डज नॉट एनी नेचुरल सैटेलाइट तो नो नेचुरल सैटेलाइट तो नेचुरल सैटेलाइट क्या होती है जैसे मून इज अवर नेचुरल सैटेलाइट सिमिलरली मरकरी की कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है तो ये एक इसकी विशेषता है बिकॉज ऑफ इट स्मॉल साइज इसकी कोई सैटेलाइट नहीं है तो ये कुछ एक बातें हैं मरकरी के बारे में धीरे धीरे जब आप यूपीएससी में और डेप्थ में उतरेंगे तो यू विल रियलाइज हमने इसके साथ कुछ करंट अफेयर्स जो हमारी यूपीएससी की डिटेल्ड स्टेट की पीसीज लगती है तो उसमें हम इन करंट अफेयर इनकॉपरेट करते हुए बताते हैं कि मरकरी के ऊपर कौन कौन से मिशन लॉन्च किए गए हैं मिशन जैसे कुछ एक स्पेस एजेंसी होती है शायद आप लोगों ने नाम सुना हो इसरो हिंदुस्तान की है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन नासा जो कि यूएसए की है ऐसे ही आप देखेंगे ग्लोनेस है ना जो रशिया की है तो ऐसे ही मल्टीपल स्पेस एजेंसीज़ काम कर रही हैं जैसे जापान की जाक्सा ई एस ए यूरोपियन स्पेस एजेंसी ऐसे ही चाइना की स्पेस एजेंसी तो मल्टीपल स्पेस एजेंसी अपने अपने सैटेलाइट आर्टिफिशियल सैटेलाइट इन प्लैनेट्स के लिए छोड़ती हैं ताकि वो उनके अराउंड रोटेट करें रिवॉल्व करें ऑर्बिट करें लैंड करें और इनके बारे में अधिक से अधिक जानकारी लेकर आए तो ये स्पेस रिसर्च एंड प्रोग्राम चलता रहता है वो हम क्लासेस में करंट अफेयर के साथ देखते हैं मरकरी के लिए एक और बात लिखी गई है कि मरकरी जो है मॉर्निंग और इवनिंग में नेकेड आईज से भी देखा जा सकता है ये उतना दूर भी नहीं है तो हम इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं एज अ प्लेनेट तो अगर आप देखोगे जो हमारे पहले के एस्ट्रोनॉमर्स ने किताब लिखी जैसे ब्रह्म गुप्ता ने लिखी व्राह मिर ने लिखी या आर्यभट्टा ने लिखी उन्होंने इन किताबों में इन प्लैनेट्स को नेकेड आई से विदाउट यूजिंग एनी टेलीस्कोप ही देखा था और मेंशन अपनी किताबों में किया है तो स्पेस रिसर्च का काम वहीं से हमारे पास शुरू हो जाता है जिसकी वजह से जब हम हिंदुस्तान में पहला सैटेलाइट भी लॉन्च करते हैं तो उसका नाम आर्य भट्टा रखा जाता है तो इस तरह से रेवर करने के लिए हम कनेक्ट करते हैं जो कि हमारे एंशियंट मैथमेटिशियन एंड स्पेस रिसर्चर्स है उनको आज अपने स्पेस प्रोग्राम में जरूर हम लोगों ने इस प्रकार से जगह दी इसके अलावा हम लिखते हैं

इट इज नोन एज मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार अगर आप मेरे समक्ष देख सकते हैं इस तरह से लिखा गया इट इज नोन एज मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार तो वो इसी के साथ को रिलेट करता है क्योंकि मर्क, वीनस का साथर इतना ज्यादा राइज कर जाता है दूसरी बात जो इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ी कि बाकी सारे प्लेनेट एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं इसके लिए एक इंफॉर्मेशन है रोटेट क्लॉकवाइज बाकी प्लेनेट के मुकाबले ये और यूरेनस वी और यू याद रखना हमेशा रिवर्स डायरेक्शन में ही घूमते हैं तो ये दो प्लेनेट एक और इसके बारे में इंफॉर्मेशन है ये जब रोटेट करता है अपनी धूरी पे घूमता है जैसे धरती जब अपनी धूरी पे घूमती है तो केवल 24 घंटे में दिन और रात बदल जाते हैं जैसे अभी शाम को पौने सात बजे का टाइम है आज अभी से 24 घंटे बाद धरती पूरी तरीके से घूम जाएगी अपनी धूरी पे लेकिन इसको घूमने में सबसे ज्यादा टाइम लगेगा तो टाइम ऑफ रोटेशन इज हाइएस्ट 243 डेज में ये एक बार अपनी धूरी पे घूमता है जो कि बहुत अधिक है बाद में हम जुपिटर के लिए पढ़ेंगे इट इज फास्टेस्ट रोटेटिंग प्लैनेट मात्र 9 घंटे में वो पूरी तरीके से अपने एक्सेस पे एक बार रोटेट कर लेगा ये जो प्लैनेट है ये एक रोमन गॉडेसेस जो कि लव और ब्यूटी खूबसूरती के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसके नाम पे इसका नाम रखा गया है दूसरी बात है इसके लिए एक और चीज बोली है इसको कई दफे अर्थ का जुड़वा भाई बोला जाता है बोला जाता है, अर्थ ट्विन्स. अर्थ ट्विन्स बोलने के पीछे जो ऑब्जेक्टिव है जब हम डेटावाइज आते हैं जो कि एनसीआरटी के अंदर मैंशन भी है तो हम देखते हैं तकरीबन जितना आकार और क्षेत्रफल अर्थ का है तकरीबन उतना ही वॉल्यूम वीनस का भी है तो तकरीबन तकरीबन थोड़ा सा ये अर्थ से छोटा है लेकिन तकरीबन अर्थ जैसा ही दिखता है केवल इस वजह से क्योंकि इसका साइज अर्थ जितना ही है इसको अर्थ ट्विन भी बोला जाता है तो ये नाम इसके नाम के आगे लगाए गए हॉटेस्ट है और ट्विन है शाइनिंग है हॉटेस्ट है तो इसे मॉर्निंग और इवनिंग स्टार बोला जाता है काउंटर क्लॉकवाइज नहीं रोटेट करता क्लॉकवाइज रोटेट करता है सबसे गर्म है और सबसे स्लोएस्ट रोटेटिंग है तो दो शब्द इसके साथ लगते हैं स्लोएस्ट रोटेटिंग इसके ऊपर कोई मिशन जो कि रिसेंटली लॉन्च होगा वो इसके साथ करंट अफेयर के साथ इनकॉपरेट कर दिया जाएगा राइट ऐसे ही अगर आप देखेंगे इस तरफ से देख सकते हैं कि वीनस विच इज दर्स्ट प्लेनेट सेकेंड अगर मर्करी इज द फर्स्ट वीनस इज द सेकेंड नाउ कम्स दी अर्थ जो कि ब्लू प्लेनेट नाम रखा गया है और हमारा एक प्लेनेट है जिसमें हम रहते हैं आप देखेंगे वीनस और अर्थ तकरीबन शेप और साइज में बराबर दिखते हैं जो अर्थ है अर्थ के लिए लिखा गया है अर्थ की जो शेप है आप देखिए इन डेटा से ही पता चलता है कि अर्थ का जो है पोल्स के ऊपर वो कम है 12,714 किलोमीटर का डायमीटर है पोल्स के ऊपर और इक्वेटर पे डायमीटर है बारह हजार सात सौ छप्पन का तो ये दो डिफरेंट डिफरेंट डायमीटर हैं तो अर्थ की एक स्पीड भी दी है कि अर्थ जो रिवॉल्व करती है अगर आप स्पीड देखोगे बहुत हाई स्पीड से रिवॉल्व करती है ये इस तरह के प्रिलिम्स में डेटा बेस्ड क्वेश्चन आते हैं डेटा ड्रीवन 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से धरती घूमती है तीस किलोमीटर पर सेकेंड जो कि बहुत ही हाई है इस रफ्तार से अर्थ घूमती है अर्थ पे लाइफ पॉसिबल बनाते हैं तीन फैक्टर अर्थ पे पानी अवेलेबल है अर्थ पे अवेलेबल हाँ है अर्थ पे जमीन है जिसको बोला जाता है इन तीनों को मिला के बोला जाता है बायोस्फेर है इसलिए लाइफ पॉसिबल है मजे की बात देखिए लाइफ वीनस पे भी पॉसिबल नहीं है मरकरी पे भी पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ दी हाई टेम्परेचर ज्यादा टेम्परेचर वॉटर गैसेज फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है इवेपरेट हो जाता है लाइफ के लिए यूजेबल नहीं है लेकिन यहां पे अर्थ पे जो कंड्यूसिव टेम्परेचर है वो वॉटर को लिक्विड स्टेट में रखता है इसी वॉटर को लिक्विड स्टेट में रखने के अगर सन से प्रॉपर डिस्टेंस वाइज देखें तो दो प्लेनेट है जो जहां पे वॉटर लिक्विड स्टेट में रहता है तो इन दोनों प्लेनेट को बोला जाता है चलिए तो अगर हम देखते हैं कि अगर लाइफ को सस्टेन करवाना है तो हम लोगों ने वाटर को लिक्विड फॉर्मेट में आना चाहिए जो प्लेनेट बहुत करीब है डेट इज मरकरी एंड वीनस यहां गर्मी इतनी है कि वाटर इवोपरेट हो जाएगा और गैसियस फॉर्मेट में चला जाएगा इसके बाद अगर हम वाटर को देखेंगे बियॉन्ड एस्टोरॉइड बेल्ट इतना ठंडा है कि वाटर फ्रीज हो जाएगा और की फॉर्मेट में आ जाएगा तो ये दोनों ही स्टेट यूजेबल नहीं बनाती वाटर को तो वाटर जो यूजेबल है वो इस पर्टिकुलर बेल्ट पे है अगर इसका नाम पता है कि ये इसके लिए एक बार यूपीएससी ने प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि इस अर्थ के डिस्टेंस को जो ऑप्टिमम डिस्टेंस है इसको किस नाम से पुकारा जाता है जो लोग ऑनलाइन है आप लिख के बता भी सकते हैं कि किस नाम से ये नाम रखा गया है इस पर्टिकुलर पोजिशन का अर्थ एंड मार्क्स इसलिए इतनी ज्यादा रिसर्च मार्स में कंडक्ट की जा रही है स्पेस के एरिया में कि इन दोनों में ही अगर लाइफ पॉसिबल है क्योंकि यहीं पे कंड्यूसिव टेम्परेचर क्योंकि उपयुक्त दूरी जो सन से है वो इन दो प्लैनेट्स की है कंड्यूसिव डिस्टेंस और इसी डिस्टेंस के साथ टेम्परेचर जुड़ा है और इसी टेम्परेचर के साथ लिक्विड कैरेक्टर ऑफ वाटर जुड़ा हुआ है राइट तो इस पर्टिकुलर जो है पोजीशन का आप नाम बताइए चाहे कमेंट में या जो लोग बाद में क्लासेस देख रहे हैं वो भी इसका नाम बता सकते इसके बाद हम अर्थ के बारे में देखते हैं कि अब अर्थ का ये जो डायमीटर है वो इक्वेटर पे ज्यादा है पोल्स पे कम है जिसकी वजह से जो अर्थ की शेप है वो एक डिफरेंट शेप आती है वो स्फेड परफेक्टली गोलाकार अर्थ नहीं है इसको जियोइड एक नई टाइप की शेप आती है जियोइड बोला जाता है जियोइड वो शेप है अगर देसी भाषा में बोले तो हम कहते हैं अर्थ इज फ्लैट ओवर दी टॉप ऊपर से चपटी है अर्थ ऐसा लगता है किसी गेंद को इस तरह से दबा दिया गया है दोनों तरफ से और अर्थ एक परफेक्टली स्फीयर की तरह नहीं इवॉल्व होकर आई है तो इस तरह से हम लोग देखते हैं अब जैसे एक अब देखिए एक वो दे रखा है डेटा कि एक प्लेन अगर लाइट इतनी तेज चलती है उसके लिए देखा है एक प्लेन जो कि 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है अगर वो सन से निकले और अर्थ तक आए तो 21 साल उसको अर्थ में पहुंचने में लिखेंगे क्योंकि अर्थ इज 150 मिलियन किलोमीटर 150 लाख किलोमीटर मींस 1500 लाख किलोमीटर जो है डिस्टेंस है राइट right? तो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन तो इस डिस्टेंस को हम लोग ध्यान रखेंगे ये डेटा है कुछ एक इंपॉर्टेंट होते हैं अब दूसरा है हमारे सोलर सिस्टम के अंदर ही जैसे अर्थ के ऊपर ये कुछ एक इंफॉर्मेशन थी उसी के साथ आप देखेंगे जैसे अर्थ को एक और शब्द दिया जाता है कि अर्थ हैज बिन रेफर्ड एज ब्लू प्लेनेट क्योंकि अर्थ में जो पानी है वो पूरी अर्थ के एरिया वॉल्यूम वा वाइज सेवेंटी नाइन परसेंट ऑफ अर्थ इज वाटर तो क्योंकि अगर हम ऊपर से देखें अर्थ को तो जनरली अर्थ एक ब्लू प्लैनेट पानी की वजह से ब्लू प्लैनेट की तरह दिखाई देती है इसलिए अर्थ का ब्लू प्लैनेट भी नाम रखा गया है अर्थ को जियोइड फॉर्मेट में भी बोला जाता है क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि दोनों का डिस्टेंस डिफरेंट है पोल्स और इक्वेटर के ऊपर डायमीटर इज क्वाइट डिफरेंट ऐसे ही हम देखते हैं जो इक्वेटोरियल सरकमफेरेंस है कई दफा एप्रिलम्स में ये पूछा गया सवाल कि कई दफे हम लोग देखते हैं जो इक्विटोरियल सरकम था किलोमीटर क्या है टू पाई आर अगर अर्थ का रेडियस टू पाई आर की तरीके से कैलकुलेट किया जाता है तो रेडियस ऑफ द अर्थ इज नियरली सिक्स किलोमीटर तो उसी से ये निकल के आता है तकरीबन

Earth के लिए एक और डेटा दिया जाता है कि अर्थ अपने सोलर सिस्टम का सबसे अधिक डेंसिटी वाला प्लेनेट है तो अर्थ के बारे में अगर जो यहां पे लिखा है जियोइड है अर्थ एक जियोइड ही नहीं गोल्डी लॉक जोन में एग्जिस्ट करती है और केवल गोल्डी लॉक जोन में नहीं है अर्थ को कई दफे ब्लू प्लेनेट भी बोला जाता है अर्थ सबसे ज्यादा डेंसियस्ट प्लेनेट है बिकॉज ऑफ द दिलिटी ऑफ रॉक्स तो अर्थ सबसे ज्यादा डेंसियस भी है तो यह इंफॉर्मेशन अर्थ के बारे में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इनर प्लेनेट के फोर्थ कैटेगरी में आता है प्लेनेट मार्स मार्स तकरीबन अर्थ के आधे ही साइज का है अगर इसका साइज देखेंगे 50 परसेंट अर्थ का साइज है रेड प्लेनेट जैसे अर्थ को ब्लू बोला जाता है मार्स को रेड प्लेनेट बोला जाता है लाल रंग का बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ फैरिक सरफेस ऑफ वीनस और मार्स जैसे मरकरी का कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है लेकिन वीनस का एटमॉस्फेयर है लेकिन खास बात क्या है मरकरी और वीनस का कोई भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है तो देर इज नो नेचुरल सैटेलाइट ऑफ इट no लेकिन अगर अर्थ का देखा जाए तो वी आर है एक ही नेचुरल सेटेलाइट है मार्स के दो नेचुरल सेटेलाइट है नाम क्या रखे गए नाम देखेंगे बहुत ही अद्भुत और बहुत ही अच्छे नाम है इनके फोबोज एक नाम है दूसरा नाम है डेमोज ये दो नेचुरल सेटेलाइट के नाम रखे गए हैं तो इस तरह से मार्स के बारे में अब जितने भी हमारे इंडिया से जो इसरो ने मिशन भेजा है एम ओ एम मार्स ऑर्बिटर मिशन ऐसे ही सैकड़ों मिशन नासा ने या अदर स्पेस एजेंसी ने मार्स के रिसर्च के लिए भेजे हैं ताकि हमें आउटर स्पेस के बारे में ज्यादा पता चलता है तो इस तरह से कई सारे प्लैनेट्स कई सारी स्पेस एजेंसीज ने इसके ऊपर रिसर्च प्रोग्राम डाले हैं जैसे इन्हीं के नाम यहां पे लिखे गए हैं राइट ऐसे ही आपके इसी नोट्स के अंदर लिखा है कि कि एंड टू जो इसके आसपास घूम रहे हैं राइट जैसे अर्थ के लिए जैसे मैंने बोला कि ये जियोइड शेप की है जियोइड का मतलब है ऑबलेटेड स्फ़ेरोइड, ऑबलेटेड का मतलब है जो नॉर्थ और साउथ से थोड़ी सी चपटी हो दबी हुई हो राइट अब अर्थ का जो नेचुरल सैटेलाइट है जिसको हम लोग मून बोलते हैं उस मून के साथ एक शब्द अटैच है शब्द है आप लोग लिख सकते हैं नया शब्द है शायद आप लोगों ने नहीं सुना होगा टाइडली लॉक टाइडली लॉक का मतलब है कि मून जितने समय में रोटेट करता है तकरीबन उतने ही समय में रिवॉल्व करता है कि मून को अर्थ के अराउंड रोटेट करने में 28 दिन का समय लगता है आप मेरे साथ देख सकते हैं और ऐसे ही रिवॉल्व करते हुए भी मून अट्ठाइस दिन जैसे कल पूर्णमाशी थी तो पूरा मून बना हुआ था यह पूरा मून चौदह दिन, बार, बार लोकेशन पे मून आ जाएगा जिस लोकेशन पे आज मून एग्जिस्ट करता है तो इस तरह से अगर आप मून को देखोगे तो मून अट्ठाईस दिनों में पूरा अर्थ का एक सफर तय करता है इस तरह से आप देखोगे मून जो है अपनी मून इज नॉट अ स्टार मून एक सैटेलाइट है मून की जो शाइन है जो चमक है इट इज बिकॉज ऑफ द सन तो वो सन की ही लाइट को हमारे तक रिफ्लेक्ट करता है इसलिए मून के अलग अलग फेजेस हमें देखने को मिलते हैं मून की जो पर्टिकुलर पोजीशन है उस पोजीशन की वजह से अगर आप देखोगे मून अलग अलग समय में अलग अलग साइज का हमें दिखता है जैसे ये एक पोजीशन है इस तरह से मून चौदह दिनों के समय में यहां से यहां का सफर तय करता है तो मीन्स मून जो यहां पर है जब कुछ भी नहीं दिखता जिसको हम बोलते हैं अमावस्या एक अंग्रेजी में इसके लिए शब्द है न्यू मून डे जिस दिन से मून बनना शुरू होगा या अभी मून नहीं दिख रहा तो उसको बोला जाता है नो मून डे ये वो अवस्था है जब सन और अर्थ के बिल्कुल बीचों बीच आ जाएगा अब धीरे धीरे मून ऐसी पोजीशन पे है अर्थ कि आपको थोड़ा सा मून दिखना शुरू हो जाएगा

तो इस पूरी साइकिल को बोला जाता है फेजेज ऑफ मून इस दौरान अगर आप मून को देखेंगे कई दफे मून बहुत लाल रंग का दिखाई देता है इस पर्टिकुलर मून का एक नाम रखा गया है ब्लड मून कि बहुत ही लाल रंग का मून दिखेगा जो माना जाता है अगर फुल मून डे के समय में लूनर इक्लिप्स डेवलप हो जाए लूनर इक्लिप्स मींस जब दिखते दिखते अचानक से मून दिखना बंद हो जाए पोजिशन को समझिए अगर मून अर्थ के बिल्कुल पीछे चला जाता है और इस टाइम पे इस पोजीशन का नाम होता है फुल डे फुल डे क्योंकि आप धरती के इस पॉइंट पे बैठे हैं तो मून पे सन की सारी ही लाइट गिरेगी क्योंकि अर्थ और मून ये दोनों रिलेटिवली अर्थ बहुत बड़ा है मून छोटा है सन बहुत बड़ा है तो मून अर्थ कैसे भी मून को पूरी तरह ढक नहीं पाएगी कहीं से इधर से उधर से लाइट रिफ्लेक्ट होके रिफ्रेक्ट होके स्कैटर होके मून तक पहुंचेगी ही पहुंचेगी इसलिए मून आपको पूरा दिखाई देता है इवन दो वो धरती के पीछे होता है जिस पोजिशन उनको बोला गया फुल मून डे अचानक से फुल मून डे के बीच में ट्रांजिट होते होते मून कई दफे ऐसा होता है जब अर्थ की शेडो मून के ऊपर गिर जाती है और अचानक से फुल मून डे के बीच में मून दिखना बंद हो जाता है तो हमेशा एक चीज याद रखिए कि जो आपका फुल मून डे है और आपका लूनर इक्लिप्स है वो दोनों हमेशा एक टाइम पे ही आएंगे तो लूनर इक्लिप्स इज ऑलवेज को रिलेटेड विद फुल मून डे और उसी टाइम पे आपको ब्लड मून दिखने की भी संभावनाएं सबसे अधिक होंगी राइट right? ऐसे ही एक और पोजीशन है जिसको बोला जाता है सुपर मून सुपर मून जैसे मैंने बताया कि ऑलमोस्ट सारे ही प्लेनेट जब रोटेट और रिवॉल्व करते हैं तो यहां से एक उदाहरण के तौर पे हम लोग समझ सकते हैं अगर मून अर्थ के अराउंड रोटेट कर रहा है तो इसका भी जो ऑर्बिट है ये एक इलिप्टिकल ऑर्बिट है इलिप्टिकल ऑर्बिट का मतलब है कि जब मून अर्थ से किसी दफे ऐसा होता है कि बहुत करीब आ जाएगा किसी दफे ऐसा होता है कि बहुत दूर चला जाएगा तो ये एक सर्कुलर ऑर्बिट नहीं है ये एक एलिप्टिकल है कि कई दफे डिस्टेंस विल बी मिनिमम इस पोजीशन पे कई दफे डिस्टेंस विल बी मैक्सिमम तो दो डिफरेंट डिस्टेंस क्रिएट करते हैं जब मून बहुत करीब होता है अर्थ के उस पोजीशन का नाम है पेरिजी जब पी फॉर बहुत पास वो पोजीशन जब बहुत दूर होता है उसका नाम है एपोजी जब फुल मून आ गया मींस मून पहले ही फुल मून पूरा चांद दिखाई दे रहा है और पोजीशन ओवरलैप कर गई उस दिन मून सबसे करीब भी है धरती के अगर ऐसा हो जाए जब पेरिजी और फुल मून दोनों ओवरलैप करेंगे तब पोजीशन बनेगी सुपर मून की जब मून आपको बहुत ही बड़ा दिखेगा उस दिन मून 15 परसेंट ब्राइटर है और 30 परसेंट बिगर दिखाई देगा जैसे इस टाइम जो अमावस्या है अगर आप ऑब्जर्व करें आज मून बहुत डिस्टेंस पे अर्थ से दिखेगा बहुत दूर ये कुछ ऐसी पोजीशन है जो एपोजी की पोजीशन है फुल मून है लेकिन फुल मून लगेगा नहीं बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस लेकिन कभी मून इतना करीब आता है कि वो बहुत बड़ा साइज में लगता है जैसे बोला कि 15 ब्राइटर एंड 30 बिगर ऐसी पोजीशन को सुपर मून बोला जाता है तो इस तरह से कुछ एक शब्दावली है जो मून के साथ एसोसिएटेड है ऐसे ही एक आ, मार्स प्लैनेट हम लोग कवर कर चुके हैं नेक्स्ट प्लैनेट इज अवर सेटन प्लैनेट नेक्स्ट इज अव जुपिटर जुपिटर अब हम लोग बेल्ट के बाहर निकल चुके हैं और हम जोवियन प्लेनेट की तरफ मूव कर रहे हैं जोवियन में सबसे जो सबसे प्लेनेट प्लेनेट जो बड़ा है जुपिटर अब जितने भी जोवियन प्लेनेट है इनका एक यूनिक फीचर है दे आर हैविंग अ रिंग सिस्टम अराउंड देम इन सभी के आसपास रिंग है उन्हीं रिंग के बीच में ये प्लेनेट है जुपिटर जो कि लार्जेस्ट प्लेनेट है अगर इसका रेडियस देखा जाए तो धरती के मुकाबले तकरीबन साढ़े ग्यारह टाइम्स इसका रेडियस ज्यादा है मास जो है धरती से थ्री हंड्रेड टाइम्स ज्यादा मास है इसके अंदर अगर आप अलग अलग गैसेस को देखा जाए तो हाइड्रोजन नब्बे और ही परसेंट हीलियम इसके अंदर एग्जिस्ट करती है अगर इसकी डेंसिटी देखें क्योंकि गैस ज्यादा है रॉक्स नहीं है तो डेंसिटी काफी कम है अर्थ की डेंसिटी के कंपेरिटिवली तो काफी कम डेंसिटी है तो हमारे पास एक डेटा है इस डेटा के तहत तो हम लोग देखते हैं कि अलग अलग डेंसिटी कौन से प्लेनेट की कितनी है तो ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए जैसे एक डेटा दिया हुआ है डेंसिटी का तो डेटा कहता है ये डेंसिटी का डायग्राम है अगर सबसे अधिक डेंसिटी किसी की है तो वो धरती की है डेट इज 5.5 जो कि डेंसिटी है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लेकिन अगर मरकरी की देखा जाए तो उसकी अर्थ के बाद सबसे ज़्यादा डेंसिटी है तो अगर ऑर्डर लगाया जाए तो इनर प्लेनेट ऑब्वियसली मात्रा पे होंगे और ये इनका ऑर्डर निकल के आएगा कि सबसे ज्यादा तो कम लीस्ट डेंसिटी डेंसिटी ये चीजें हम लोग देख सकते जो सबसे गर्म प्लेनेट है वो मरकरी नहीं है वो वीनस है जो सबसे ठंडा प्लेनेट है वो सबसे फार्देस्ट प्लेनेट है तो नेपच्यून इज तो इट इज दल्डेस्ट प्लेनेट इस तरह के कुछ एक शब्दावली आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है दूसरा है कि अगर आप जुपिटर के लिए देखा जाए जुपिटर के बाद अगर देखा जाए कि सबसे ज्यादा नेचुरल सैटेलाइट हम लोग नासा को सबसे क्रेडिबल एजेंसी मानते हैं जो इसने डेटा सबसे ज्यादा दिए हैं वो एजेंसी बोलती है कि सबसे ज्यादा जो सैटेलाइट है वो सैटन के सैटेलाइट है जुपिटर के सैटेलाइट उसके बाद की मात्रा में आते हैं NCRT's में बहुत अपडेट नहीं है अगर आप सैटेलाइट्स देखोगे तो इसमें बहुत अपडेटेड नहीं है लेकिन हम कोर्सेज़ में अपडेटेड डेटा के साथ आपको ये चीजें बताते हैं सबसे बड़ा सैटेलाइट सारे प्लैनेट्स में अगर कंसिडर किया जाए तो गैनीमेड गैनीमेड सैटेलाइट सबसे बड़ा प्लेनेट इस प्ले सारे सोलर सिस्टम के अंदर है

खूबसूरत प्लैनेट है सोलर सिस्टम का अगर सबसे ज्यादा सैटेलाइट देखी जाए तो वो भी नासा के अकॉर्डिंग सैटर्न की है अगर सबसे बड़ा सैटर्न के सारे सैटेलाइटों में सबसे बड़ा सैटेलाइट देखा जाए तो एक नाम है टाइटन काफी फेमिलियर नेम है आपके लोगों के लिए तो टाइटन इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ सैटन तो काफी सुंदर सैटेलाइट है काफी सुंदर प्लेनेट है इसी के साथ साथ एक और इंफॉर्मेशन आती है इट इज हैविंग द लीस्ट डेंसिटी

ये इस तरह से बना हुआ है लेकिन अगर यूरेनस का ऑर्बिटल प्लेन देखें, तो यह बिल्कुल विपरीत है तो आपको यह 90 डिग्री में देखने को मिलेगा ऑर्बिटल प्लेन राइट इसके पोल से तो ऐसा लगता है कि यह प्लेनेट साइड में लेटा हुआ है तो साइड में लेटा हुआ लगता हुआ प्लेनेट है इस प्लेनेट के काफी सारे सेटेलाइट हैं से। उन सैटेलाइट को अंग्रेजी के अंदर दो बहुत ही बड़े राइटर हुए हैं और इन्होंने काफी प्ले में कॉन्ट्रीब्यूट किया है एक का नाम आप बहुत वाकिफ है शेक्सपियर और दूसरे का नाम है एलेक्सेंडर पोप इन दोनों व्यक्तियों के जितने भी प्ले लिखे गए उन प्ले के जो कैरेक्टर हैं वहां से इनका नाम पिक किया गया तो अगर आप देखेंगे अच्छा एक और अभी इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करनी है रिसेंटली हरियाणा सिविल सर्विसेज का रिजल्ट कल रात को आउट हुआ है जिसमें काफी भारी मात्रा में सिविल स्टैप के काफी सारे बच्चे क्लियर किए हैं अभी जल्दी से लिस्ट उनकी निकल जाएगी जिसमें हम आपको बता पाएंगे कि कितने सारे सिलेक्शन हम लोगों के सिविल स्टैप हरियाणा वाले प्लेटफॉर्म में या ओवरऑल स्लीपेप प्लेटफॉर्म से नहीं दिए हैं तो अगर हम लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं तो उसकी ब्यूटी क्या है कि आपके कोई ना कोई स्टेट पीसेस चाहे पंजाब का एग्जाम है चाहे यूपी का है चाहे हरियाणा का है या अन्य कोई भी स्टेट सर्विसेज हैं या जैसे हमारे स्टूडेंट उड़ीसा में है मणिपुर में है महाराष्ट्र में है मध्य प्रदेश में तो इन सारे भी स्टेट का एग्जाम क्लियर करना बहुत सरल हो जाता है तो यूपीएससी दी जिसका सबसे ज्यादा शेक्सपियर है, 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 तो to तो और एलेक्टर पोप के वर्क से इनके सैटेलाइट के नाम रखे गए हैं लास्ट प्लेनेट अगर हम देखें तो नेपच्यून इज प्लेनेट नेपच्यून जो सबसे तो सबसे अधिक समय जो है नेपच्यून ही लेता है रिवॉल्व करने में सबसे कोल्डेस्ट है क्योंकि सबसे दूर है नेपच्यून के बाद हम देखते हैं बेल्ट आ जाती है और उस क्यूपर बेल्ट के अंदर सारे जो प्लैनेट हैं वो आईसी प्लैनेट हैं उसी क्यूपर बेल्ट का एक हिस्सा है जिसको पहले हमारे सोलर सिस्टम में कंसिडर्ड किया गया था आज उसको हम लोग ड्वार्फ प्लेनेट की कैटेगरी में डालते हैं जो कि प्लूटो नाम उसका रखा गया डॉ प्लेनेट क्यूपर बेल्ट का एक पार्ट है इसके भी हम देखते हैं कि दो सैटेलाइट है ये एक आईसी प्लेनेट है 2005 में इंडियन एस्ट्रोलॉजिकल यूनियन ने इसको रिगार्ड किया और प्लेनेट की कैटेगरी से डॉर्फ प्लेनेट में कन्वर्ट किया इसके अलावा हमारे सोलर सिस्टम में एक चीज मिलती है जिसको बोला जाता है एस्टेरॉइड एस्टेरॉइड मैंने बताया कि मार्स और जुपिटर के बीच में घूमने वाले जो पत्थरों के टुकड़े हैं रॉक्स के डेबरीज हैं उनको एस्टेरॉइड कहते हैं इन एस्टेरॉइड अगर ये धरती पे गिरते हैं तो इनको बोला जाता है या दो नामों से इनको पुकारा जाता है तो आपकी एनसीईआरटी कहती है अगर ये पूरी तरीके से जाए जब ये धरती पे गिरते हैं तो धरती इज हैविंग इट्स एटमॉस्फेयर और धरती पे गिरते हुए इसके एटमॉस्फेयर की तरफ से अगर इनकी बर्निंग शुरू हो जाए तो इट विल बी दे विल बी एज अगर ये पूरी तरह जल गए अगर ये पूरी तरह नहीं जले और फिर भी गिरते रहे तो इनका नाम रखा जाएड्स विच आर पार्शली बर्न बिफोर फॉलिंग ऑन अर्थ मिट कंप्लीटली एशेज में कन्वर्ट हो जाते हैं गिरते वक्त पूरी तरीके से जल जाएंगे और उनकी एशेज धरती पे गिरेगी बिकॉज द फ्रिक्शन विच हैजीन ऑफर्ड बाई दर तो इस तरह से दो शब्दावली हम लोग देखते हैं सेटेलाइट मैंने आपको बताया कि जो भी किसी प्लेनेट के अराउंड घूमता हुआ ऑब्जेक्ट है उसको सैटेलाइट बोलेंगे दो के हैं हैं कुछ सैटेलाइट सैटेलाइट हम भी लॉन्च लॉन्च करते नासा करेगा इस करेगा इसरो वो एक नेचुरल नहीं है वो एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो नेचर के द्वारा बनाई गए सैटेलाइट है जो रिवॉल्व कर रहे हैं दो विल बी टर्म एज नेचुरल सैटेलाइट तो इस तरह से कुछ एक वोकेबलरी हम लोग यूज करेंगे तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे जिसमें हमने सोलर सिस्टम के बेसिक्स को किया सोलर सिस्टम से जुड़ी हुई वोकैबलरी को किया इसके कनेक्टिंग नोट्स आप लोगों को दिए गए हैं इसके साथ जो पीपीटीज है मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा जिसमें सोलर सिस्टम एंड बेसिक्स ऑफ अर्थ को हम लोग समझेंगे और नेक्स्ट क्लास में फिर हम ग्लोब को डिस्कस करेंगे अर्थ के बेसिक जिसके अंदर अर्थ के मोशन अर्थ के लैटिट्यूड अर्थ के लॉन्गिट्यूड इनको विस्तार में डिस्कस किया करेंगे राइट इसके अलावा जो लोग ऑनलाइन हैं अगर उनके कोई डाउट है वो अपने डाउट पूछ सकते हैं अपने कुछ भी इश्यूज हैं वो शेयर कर सकते हैं अदिति आप कल दस बजे के बाद उपरांत हमें कॉल कर सकते हैं और यूपीएससी का हमारा एक रिकॉर्डेड कोर्स शुरू होने वाला है जो कि इन माय ओपिनियन स्टार्टिंग फ्रॉम सॉरी ट्वेंटी का दिन है ट्वेंटी एक नया बेच शुरू हो रहा है अगर आप इसको लाइव भी देखना चाहते हैं तो उसकी डेट से एक बार कल आप ऑफिशियल नंबर पर कॉल करेंगे वहां से आपको पता चलेंगे राइट right? इसके अलावा अगर आप कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो या कोई कंसर्न कोई डिस्कस करना चाहते हैं तो यू कैन लेट अस नो चलिए जी चलिए थैंक यू थैंक यू एवरीवन थैंक्स थैंक